हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल टूर्नो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जहाँ मजे ले रहे थे राजस्थान के क्लीनेस्ट सिटी डूंगरपुर में, तो फाइनली आज चलते कहीं और, प्रतापगढ़ की ओर। जी हाँ, द ट्राइबल सिटी ऑफ कांठल, जिसे यहाँ पर मौजूद महिला महाविद्यालय की वजह से ही राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता है। वेल, यहाँ पर स्थित है वो प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य, जिसे उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है और जिसका ताल्लुक माता सीता और लवकुश से भी है। भाई, एक डिस्ट्रिक्ट जो माउंट आबू सिरोही के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। यकीन माने दोस्तों, यहाँ की गजब की कलाकारी वाली थेवा कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनफेक्ट यहाँ पर ही है वो पवित्र लोकेशन जिसे कांठल का हरिद्वार कहा जाता है, और यहाँ मात्र आपके 11 रुपए में सारे पाप धुल जाते हैं। और तो और, यहाँ पर ही है राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला बांध यानी डैम। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे है एक ही रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। शायद आपने इससे पहले प्रतापगढ़ से जुड़े ऐसी जानकारी कहीं नहीं सुनी होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं टूर्नो। द किंगडम ऑफ कांठल, द न्यूली मेड डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ मौजूद है इंडिया के स्टेट राजस्थान के बिल्कुल साउदर्न पार्ट में, जो राजस्थान कैपिटल जयपुर से 420 किलोमीटर, उदयपुर से 160 किलोमीटर, तो वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर से 30 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। इसी के साथ प्रतापगढ़ साझा करता है अपनी बाउंड्रीज नॉर्थ में चित्तौड़गढ़, वेस्ट में उदयपुर, साउथ वेस्ट में बांसवाड़ा, तो वहीं साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश स्टेट से। कुल 4,117 किलोमीटर स्क्वायर में फैला प्रतापगढ़ राजस्थान में एरिया के सबसे फोर्थ सबसे स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट है। तो वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी मात्र 8,68,000 के आसपास है, जो बनाती है इसे राजस्थान में जैसलमेर के बाद दूसरा सबसे कम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के लोगों में ज्यादातर आदिवासी भीलों के साथ मीणा लोग रहते हैं। दरअसल आपको प्रतापगढ़ के कल्चर्स और लैंग्वेजेस में मेवाड़ी प्लस वागड़ी प्लस मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे होने की वजह से मालवी और रागड़ी भाषा और कल्चर का मिक्सर देखने को मिलता है। बात करूं यहाँ के दिलचस्प इतिहास की, तो प्रारंभ इस क्षेत्र पे मालवा के शासकों का राज था। समय बीतता गया और फिर ये एरिया आ गया अंडर में मेवाड़ के गोहिल वंश के सिसोदिया क्षत्रियो के। इस समय मेवाड़ के महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकरण ने नाराज होकर चित्तौड़ का परित्याग किया, और इसके बाद इन्होंने 1437 में यहाँ की सदरी पर अधिकार कर लिया। इसी के साथ इन्हें महारावल की जगह महारावत कहा जाने लगा। बाद में 1473 ईस्वी में महारावत सूरजमल नए उत्तर अधिकारी बने, और इन्होंने 1508 से लेकर 1514 के बीच प्रतापगढ़ में देवलिया या देवगढ़ बसाया। इनके बाद इनके वंशज महारावत प्रताप सिंह 1673 में देवगढ़ के स्वामी बने, और इन्होंने देवगढ़ के समीप अपनी नई राजधानी 1699 में डोडरिया खेड़ा में शिफ्ट कर प्रतापगढ़ की स्थापना की, और इन्हीं के नाम पर प्रतापगढ़ का नाम पड़ा। लेकिन फैक्ट तो ये कि प्रतापगढ़ अभी भी एक नया डिस्ट्रिक्ट नहीं था, और फिर 26 जनवरी 2008 में कई लोगों के प्रयासों के बाद प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट बना, एंड अप्रैल 2008 में इसने कार्य प्रारंभ किया और ये बन गया राजस्थान का न्यूली मेड डिस्ट्रिक्ट। वहीं क्या आपको बताया, प्रतापगढ़ को बनाया गया था उदयपुर के धरियावाद, बांसवाड़ा के पीपलकूट और चित्तौड़ के अरनोद, छोटी सादड़ी एंड खुद प्रतापगढ़ जैसे 5 तहसीलों को मिलाकर। फ्रेंड्स, डिड यू नो प्रतापगढ़ राजस्थान का वन ऑफ द ग्रीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। ग्रीनेस्ट का मतलब है यहाँ पर प्रतापगढ़ में ही है राजस्थान का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज के हिसाब से, ध्यान दीजिए परसेंटेज के हिसाब से, और एरिया के हिसाब से राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर है, उदयपुर में। यहाँ मुख्य रूप से NH-113 गुजरात प्रतापगढ़ होकर गुजरती है। साथ ही ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का एकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोई भी रेलवे लाइन या रेलवे स्टेशन नहीं है, और यहाँ की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती है RJ-35 से। फ्रेंड्स, एक अमेजिंग बात बताऊं, यहाँ के लोग होली के दूसरे दिन धुलंडी नहीं खेलते, बल्कि ये लोग होली के 13 दिन बाद यानी रंग तेरस को धुलंडी बनाते हैं, जिसे ढूंढो उत्सव कहा जाता है। दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अलावा माही नदी, जी हाँ वो पवित्र नदी जिसे कांठल की गंगा कहा जाता है, और जब ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की बॉर्डर से गुजरती है, तो इस एरिया की लैंड को कांठल का मैदान, छप्पन का मैदान और मेवल का मैदान कहा जाता है। प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है अपने तरल हींग के लिए, स्पेशली यहाँ का जीरावन मसाला जिसका टेस्ट गजब का है। भाई,
दोस्तों क्या आप जानते हैं प्रतापगढ़ के एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में? तो यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है मिक्स रेड मिट्टी, जिसमें काफी अच्छी मात्रा में अजवाइन, मक्का, मसूर और सोयाबीन होता है। एंड चित्तौड़गढ़ के क्लोज होने के कारण यहाँ पर भी काफी अच्छी मात्रा में अफीम होता है। वही मिनरल्स में ये इतना अच्छा नहीं है, पर यहाँ के केसरपुरा में डायमंड की खोज की गई है। प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है अपने सालिम सिंह के सिक्कों के लिए, जिसे महारावत सालिम सिंह के समय प्रतापगढ़ टकसाल में बनाया जाता था। दोस्तों थेवा कला, जिसके लिए प्रतापगढ़ पूरे वर्ल्ड में फेमस है, दरअसल थेवा कला बेसिकली एक आर्ट वर्क है, इसमें कांच पर सोने की कलाकारी या यूं कहूं शीशे पर सोने की सूक्ष्म चित्रकला, जो प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार की बेहतरीन कला है। माना जाता है कि इस कला की शुरुआत नातू सिंह सोनी ने की थी। वहीं कुछ का कहना है कि रामायण में भगवान शिव को जिन 64 कलाओं का ज्ञाता बताया है, उन्हीं में से थवाई कला आज का थेवा आर्ट है। थेवा ज्वेलरी शुरू से ही प्रतापगढ़ और मेवाड़ के राजघरानों में उपहार में दी गई है। साथ ही उस समय महारानी विक्टोरिया, प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की शादी में भी उपहारों में दी गई है। इसीलिए शायद इस अद्भुत कला को आज पूरे विश्व के म्यूजियम्स में संजोए रखा हुआ है। खास बात तो ये कि लोग इस विद्या को अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। कहने का मतलब ये कला फादर टू सन वाला मिस्टीरियस पैतृक फंडा है। और हमें तो बस इतना पता है ये मास्टर्स इसमें 23 कैरेट गोल्ड प्लस मोल्टन ग्लास पर टाकला की मदद से मिनिएचर पेंटिंग और आर्ट वर्क करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये कि इसे भगवान का आशीर्वाद कहे या संयोग कि इस कला हेतु एक ही परिवार के 12 शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ यूनेस्को नेशनल स्ट्रीट फॉरेन कंट्रीज अवार्ड और लिम्का बुक में रिकॉर्डेड है। इनमें से जगदीश राज सोनी को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ शिल्प गुरु का सम्मान प्राप्त हुआ है और 2015 में महेश राज सोनी को इस कला के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया है। अब जरा इस मंदिर को देखिए, यह है दीवाक माता मंदिर, जहां भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए हथकड़िया और बेड़िया चढ़ाया करते हैं। प्रतापगढ़ के जोलर ग्राम पंचायत में ऊंची पहाड़ी पर जंगलों के बीच 200 साल पुराना ये मंदिर, जहां की मान्यता है कि इस मंदिर की पूजा पहले डाकू करा करते थे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। उसके बाद आज भी यहां ज्यादा लोग वही आया करते हैं जिन पे कोई केस, मुकदमा या जेल का चक्कर हो। दोस्तों क्या आप जानते हैं कांटल के हरिद्वार गौतमेश्वर महादेव के बारे में? जी हाँ, प्रतापगढ़ के अरनोद में स्थित ये पवित्र स्थान, जिसकी तुलना हरिद्वार से की है। आपको बता दूं, इस स्थान पर 5000 साल पहले गौतम ऋषि ने गोहत्या के पापों को प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर मंगलनाथ महादेव की तपस्या की थी। और तो और, ये मंदिर एक डेंजरस पथरीली पहाड़ी के नीचे एक गुफा में मौजूद है, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहता है कि मालवा के एक सुल्तान ने इस शिवलिंग पर तलवार का प्रहार किया था, जो आज भी देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर एक रहस्यमय गुफा भी है, जो उज्जैन में डायरेक्टली निकलती है, जिसका इस्तेमाल कभी पांडवों ने किया था। वाकई में दोस्तों प्रकृति के सौंदर्य में बसा यह पवित्र स्थान, जहाँ पर एक पवित्र पाप मोचनी गंगा कुंड भी है, जहाँ पर आपको पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको मात्र 11 रुपए में, सिर्फ 11 रुपए में बकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपके पाप धुल चुके हैं। है ना गजब? तो एक बार जरूर जाइए अपने पापों की डुबकी लगाने। और इसी के पास प्रतापगढ़ MP बॉर्डर पर शोली में स्थित है होरी हनुमान जी का मंदिर, जो भारत के सबसे बड़े हनुमान मंदिर प्रांगणों में से एक बनने जा रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, क्या आपको पता है देवगढ़ या देवलिया, जो प्रतापगढ़ की पुरानी राजधानी के साथ शाही महल हुआ करता था, इस राजमहल के ऊपर एक धूप घड़ी यानी सोलर क्लॉक है, जो टाइम बताती है अकॉर्डिंग टू सनलाइट, बिल्कुल सटीक। इसके अलावा यहाँ पर बावड़िया मंदिर, जलग्रहण पॉइंट्स जैसे सोनेला और तेज सागर पॉइंट्स, और मूछ वाले राम जी यानी रघुनाथ का मंदिर भी है। वहीं देवगढ़ के बारे में फैक्ट तो ये दोस्तों, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना या विंड एनर्जी प्रोजेक्ट 6 मार्च 2001 में देवगढ़ में स्थापित किया गया था। गाइज, यहाँ की भोरा मुस्लिम कम्युनिटी की एक दरगाह काका साहिब दरगाह, जिसे इसकी व्हाइट स्ट्रक्चर की वजह से काठल का ताजमहल कहा जाता है। बात करें यहाँ की फेमस फूड्स की, तो यहाँ वही आम पाक, आम की रसभरी बूंदी और लीलवे की मिठाई का टेस्ट गजब का है भाई। दोस्तों क्या आपको पता है प्रतापगढ़ के छोटी सदड़ी में स्थित भौर माता मंदिर के बारे में? जी हाँ, एक ऐसा हिंदू मंदिर जहाँ मंदिर प्रांगण में आपको मुर्गे देखने को मिलते हैं। दरअसल भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर भक्त माता के मुर्गे चढ़ाते हैं, जिनकी पहले बलि दी जाती थी और बाद में इसे बैन कर दिया गया। इसी वजह से यहाँ बहुत सारे मुर्गे ही मुर्गे हैं। साथ ही आपको बता दूं, ये मंदिर 1000 से 1500 साल पुराना है और यहाँ पहले जंगल हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे भवरे होने की वजह से इसका नाम भवर माता रखा गया। इस लोकेशन का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला चैत्र और अश्विन नवरात्र को भव्य मेला। साथ ही यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी है, जहाँ पे बारिश के टाइम पे काफी रश हुआ करता है। ये वही पहाड़िया है जहाँ से झाकम नदी का उद्गम होता है,
जी हाँ जाखम जो आगे जाकर सोम में मिलकर माही के त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। और इसी जाखम नदी के अनुपुरा गांव में स्थित है राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला डैम यानी बांध जो करीब 81 मीटर के आसपास है। दोस्तों प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा जंगलों का श्रेय जाता है यहाँ के सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। जी हाँ यह प्रतापगढ़ के धारियावाद में अरावली प्लस विद्यांचल पर्वत प्लस मालवा पठार की गोद में कुल 423 किलोमीटर के विशाल एरिया में फैला हुआ है। कहते हैं कि हिमालय के बाद सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां और औषधियां वाला फॉरेस्ट एरिया यही है। इसी के साथ यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक सागवान टीक फॉरेस्ट लगभग 50% जंगल सागवान के पेड़ों का है। जी हाँ वही सागवान की लकड़ी जिसकी इम्पोर्टेंस फर्नीचर में कितनी है एक खाती जांगीड़ यानी हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं फोर्ड हॉर्न एंटोलोप, आइना, ग्रे जंगल फाउल, ब्लू बुल, पेंगोलिन, पैंथर, पोर्क्यूपाइन, कैरेकल और कई माइग्रेटेड और देसी बर्ड्स की स्पीसीज जो इस वाइल्ड लाइफ की शोभा बढ़ाते हैं। इसी के साथ यहाँ की फ्लाइंग स्क्विरल यानी उड़न गिलहरी को कौन बोल सकता है। जी हाँ इस दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी को सनसेट के बाद देखा जा सकता है। वहीं दिन में ये महुआ के पेड़ों में छिप जाती है। दरअसल फैक्ट तो ये कि ये हवा में उड़ती नहीं बल्कि इजीली ग्लाइड कर सकती है 20 से 40 फीट। 2 नवंबर 1979 में स्थापित यह सेंचुरी जहाँ हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को सीता माता के भव्य मेले में 5 से 6 लाख लोग आया करते हैं। इतना ही नहीं यहाँ पूरे वर्ष झरने चलते हैं जिनके बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि यहाँ पर सीता माता ने वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश को जन्म दिया था और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर 2 झरने हैं लवकुश नाम से। साथ ही यहाँ पर एक 12 बीघा में फैला बरगद का पेड़ है। जी हाँ 12 बीघा लैंड में फैला हुआ बरगद का पेड़ जो कभी लवकुश का क्रीड़ा स्थल हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर एक बागी बावड़ी, हनुमान गढ़ी, सीता माता मंदिर, माता सीता की भूमि समाधि आदि मौजूद है और ये सब बातें बकायदा यहाँ के शिलालेख पर मौजूद है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वाल्मीकि आश्रम और सीताबड़ी पूरे इंडिया में कई जगह है जैसे यूपी के भदोही और बिठूर में, पंजाब के अमृतसर में और नेपाल के चितवन में भी। बट आपको रियलिटी बता दूं सीता मैया के बारे में कि वाल्मीकि के रामायण में बताया है कि सीताबड़ी गंगा किनारे थी और गंगा सिर्फ यूपी के बिठूर के वाल्मीकि आश्रम से मैच करती है। बात करूं यहाँ के दीपेश्वर महादेव या दीपनाथ महादेव मंदिर की जहाँ मुख्य महादेव मंदिर के अलावा कई अन्य छोटे महादेव मंदिर और बावड़िया है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है इस मंदिर के अलावा दीपेश्वर महादेव तालाब और कार्तिक पूर्णिमा का भव्य मेला। और इसी के बगल में है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जहाँ एक ही गर्भगृह में 2 शिवलिंग विराजमान हैं। इन्हीं के पास आप देख सकते हैं शंकरेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर और ऊपर पहाड़ी पर शाही उदय निवास पैलेस जो कभी प्रतापगढ़ का शाही निवास स्थान था। इन सब के अलावा प्रतापगढ़ में और भी कई लोकेशंस हैं जैसे रोकड़िया हनुमान जी, अंबा माता, बुलबुला महादेव, जानागढ़ दुर्ग, गुप्त गंगा हनुमान जी, वुडलैंड पार्क, जटाशंकर महादेव जैसी लोकेशंस जिन्हें आप हमारे प्रतापगढ़ के डिटेल टूरिज्म वीडियो में देख सकते हैं। तो दिस वॉज अ डिटेल वीडियो ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको प्रतापगढ़ के बारे में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।